idea. थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए सीनियर्स को देखकर। सही है। चल है। क्या रे, तू अपने आप को बहुत शानी समझती है क्या है? सब कुछ है तेरे पास, पढ़ाई, खूबसूरती, टैलेंट, सब कुछ है तेरे पास, बस भेड़े की बत्ती बुझी हुई है। आज वही बत्ती जलाने आया हूँ मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, शक्ल बना के देख रही है मुझे। तुझे चाकू से नहीं बल्कि डंडे से मार डालूंगा तुझे। तो पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे। ये हमारे सर पे तांडव करती है तेरे बाप की वजह से, और तू चुपचाप देखता रहता है। बस तेरा बाप हर समय हमें डराता रहता है, हमारी हालत कुत्तों की तरह बना रखी है उसने। हम स्कूल जाते थे तो घर से ही घूर घूर कर हमें डराता रहता था तेरा वो हिटलर बाप। आज उसको और इसको दोनों को सिखा दूंगा कि रिस्पेक्ट क्या होती है। मत रोक मुझे, मैं दोनों को। चुप हो जाना यार, मम्मी को पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। चुप हो जाना प्लीज, प्लीज यार, शांत हो जा, शांत हो जा। बस यार इतनी सीधी सादी है वो, अगर उनसे दूध मांगो तो सुचारी खीर बना के खिलाती है हम लोगों को। बस तेरे बाप ने तेरी माँ को काम वाली और तुझे नौकर बना कर रखा हुआ है। चल देखना। कैसा रहा सफर मां? गुड मॉर्निंग अंकल। क्या हुआ, सुबह सुबह यहाँ गए? नहीं अंकल, रात को यहीं सो गया था मैं। चलिए आंटी, मैं निकलता हूँ। क्यों बेटा, बिना खाए पिए जा रहा है? मैं डोसा बना देती हूँ, तू खा के जा, ठीक है? आ जा। खा के जाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। एग्जाम में क्या हुआ? एग्जाम बहुत अच्छी थी अंकल। गुड। आज पार्लियामेंट के सामने लोगों ने धरना दिया हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो गया है और लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्या रे, अरे तो रे, क्या हो रहा है? सब कुछ तेरे पास, पढ़ाई, खूबसूरती, टैलेंट, सब कुछ तेरे पास, भेड़े की बत्ती बुझी हुई है, आज वही बत्ती जलाने आया हूँ मैं। अंकल ऐसी बात नहीं है, दरअसल हुआ ये था कि ऐसी बात नहीं है। आइंदा घर के आसपास दिखाना तो हाथ पैर तोड़ दूंगा। बार बार क्यों आऊंगा, आपका घर कोई मंदिर थोड़े ही है। क्यों रे, क्या बोल रहा था? हमारे बारे में ये सब सोचता है तू? तो क्या गलत बोला? ये लीजिए टॉवल रख लीजिए। गर्म है इनका। मैं तुझे बाई दिखती हूँ। पता है ना अब तुम्हें क्या करना है? नाम क्या है तेरा? तुम्हें क्या करना है? अरे रोज तुझे इधर उधर भटकते देखता हूँ, किसके घर पर आई है तू? मैं अपने अंकल के यहाँ आई हूँ। अंकल के यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहते बेटा, वापस अपने घर जाओ। तुम जाओ अपना काम करो। नौटंकी करते हैं अंकल के घर पर आए, गोंद लेकर चिपक ही जाते हैं अंकल के घर पे। क्यों पीट रहा है इसको? मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, तू कौन है रे पूछने वाला? तो बीवी, ये शब्द बोलने का भी हक नहीं है तुझे। दो दो बच्चे होने के बावजूद भी अपनी बीवी को मार रहा है, इंसान तो क्या, तू तो जानवर कहलाने के लायक भी नहीं है। तेरे बच्चे तुझे देखकर डर रहे हैं, कितने सहमे हुए हैं, तुझे कुछ ख्याल भी है उनका? एक बात याद रखना, पिएगा तो घर उजड़ेगा, वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा। शेखर भाई के बेटे ने क्या अच्छी बात कही ना। हाँ, इसे समझाने का सही तरीका अपनाया उसने। अरे यार, आज चंदू कॉलेज नहीं आया। उसने ट्रैफिक हवलदार को 10 रुपए की रिश्वत दी थी, वो उसे पकड़ कर कोर्ट में ले गया। अरे सुभाष,
उसकी सेवा कर करके थक गया हूँ यार। अरे बाप रे, इस फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ चाहता हूँ मैं। कल अपने हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है, कैसे भी करके टिकट ले आना यार प्लीज। भाई तेरे साथ पिक्चर देखेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा? तू एक काम कर, अकेला जाकर देख ले, हमें यहीं रहने दे प्लीज। इस मामले में तेरा और मेरा कोई साथ नहीं, चल जा। अरे प्लीज यार, चलो ना, तुम लोग के बिना कभी पिक्चर देखा हूँ क्या मैं? तुझे जाना है तो जा, चल निकल, हम नहीं जाएंगे। अरे तुम लोग तो चलो यार। नहीं जाएंगे। ए, मेरी बात ध्यान से सुन ले, कल मैं मॉर्निंग शो देखने जा रहा हूँ। जाना, ऑल द बेस्ट। चल निकलना, जाना। कपड़े फाड़ देते हैं यार, किसी और थिएटर में चलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तुम लोगों को प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं, चलो। वेट करने के लिए बोलो, खाली तो बैठा है वहाँ, चल जा। अबे ऐसे क्या घूर रहा है, हमें बताने आया या घूरने आया? चल जा ना। अच्छा मैं बाद में बताता हूँ। एक बोलता है चल, दूसरा आ जाता है बुलाने। ए सिगरेट देख। हाँ लेना भाई। क्यों रे, पेरेंट्स को तो लेके आया नहीं और बुलाने पे नाटक कर रहा है, और अब आया है तो मेरे सामने अकड़ के घूम रहा है। लगता है बहुत चर्बी चढ़ गई है। क्यों रे, कुछ बोलता क्या क्यों नहीं? सर इस चप्पल की वजह से, जब से पहनी है मेरे पाँव ही नहीं रुक रहे हैं, इतना कंफर्ट है ये सर। चाहिए तो आप भी ले सकते हैं सर। आपकी साइज की ये तो मेरी चप्पल है। स्वर्ण कॉलोनी पता है ना, वहीं से रात को 10 बजे खरीदे हैं। अच्छा डिस्काउंट मिला है। ए सर तू जा, घर पर जाऊँ क्या सर? अरे जाना। हाँ ठीक है सर। शॉप के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा आपको। आप चाहते हैं कि डिस्काउंट के बारे में किसी को पता ना चले तो थोड़ा साइलेंट रहना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करता हूँ, पेरेंट्स को लेकर आ जाता हूँ। अरे रुक जाओ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। तुम्हें जब आना हो आओ, जब जाना हो जाओ, लेकिन इस शॉप के बारे में किसी को मत बताना प्लीज प्लीज प्लीज। सर अगली बार जाइएगा तो चप्पल को शॉप के अंदर रख लीजिएगा, कार भी अवॉइड कीजिए तो अच्छा है, वॉकिंग इज बेटर बिफोर गोइंग टू शॉप। नमस्ते सर। हे भगवान, ये कहाँ फंस गया मैं। सर हाँ, टेस्ट अच्छा है आपका, सुपर। हे भगवान, छी छी छी। प्लीज यार एक बार मेरी हेल्प कर दे, मैं वहां जाऊंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी। ये 100 रुपए रख और मेरे लिए एक टिकट ले आ, प्लीज 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 प्लीज। तू जो बोलेगी मैं वो करूंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है ला दे। थैंक यू। ये हीरो मेरा भी फेवरेट है। ए, फर्स्ट शो नहीं देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। ए, प्लीज रे। अरे क्या लड़की है। दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। विष्णु क्या है? पवन कल्याण का इतना बड़ा फैन है, मैं भी तेरे पास बैठी थी पर तूने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। वैसे पिक्चर भी कोई खास नहीं थी। पिक्चर अच्छी हो या ना हो ये नहीं पता, फर्स्ट शो थिएटर में देखा, दिल को खुशी मिली और एंजॉय किया, फिल्मों में वही मेरा हीरो है। तो फिर तुम्हारे पिताजी? असल जिंदगी में वो मेरे हीरो है। कभी जाहिर तो नहीं होने दिया? ये 2 घंटे की फिल्म थी, बताना पड़ता है, ये जिंदगी 100 साल की है, पता लगाना पड़ता है। और मैं कितनी पसंद हूँ? आज तुझे घर से निकाल दूँ इतनी पसंद है।
अरे भाभी ये नहीं, वो निकालिए ना, ये वाला। हाँ देख। अरे बेटा कैसी है तू, इसे क्या हो गया? मैंने कुछ पूछा और इसने जवाब ही नहीं दिया। उसको ही पूछिए, अब ये काम भी करूं क्या? दिन भर उसकी सेवा करता रहता हूँ, अब उसके दिल में क्या है वो भी मैं ही पता लगाऊं। अंकल कैसे हो? अरे भाभी क्या हो गया इन्हें? मुझे कुछ नहीं पता, उसी से पूछो। आपसे तो पूछ कर ही गलती कर। अरे विष्णु बेटा क्या बात है, कई दिनों बाद आए हो। आज पीने का कोई प्रोग्राम बनाए क्या? बनाओ ना बाबा, बहुत दिन हो गए। चलो ना। चलो। नमस्कार मालिक। नमस्ते, और बताओ रमैया कैसे हो? मैं अच्छा हूँ मालिक। और काम धाम सब ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है मालिक। तू आगे चल बेटा, मैं बाद में आता हूँ। तेरा बेटा क्या कर रहा है? कुछ नहीं मालिक, इस साल पढ़ाई छोड़ दी और मेरे साथ खेती में काम करता है। पढ़ाई में ध्यान ही नहीं लगता उसका, कहता है खेती ही करेगा। ये लोग ऐसे ही बोलते हैं, उन्हें समझाना चाहिए, समझे? नमस्ते। क्यों नायडू, इस बार तुमने फॉर्म का एडवांस पैसा नहीं भेजा? अरे आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं बोला? कुछ नहीं बोला उसने। अरे आपका बेटा आकर बोला कि इस बार हम फॉर्म नहीं देंगे, 2 महीने बाद मेरी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद खेतीबाड़ी मैं देखूंगा। बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, इसीलिए मैं कुछ नहीं बोल पाया। क्या बात है भाई साहब, आपने ऐसे अचानक बुला लिया हम लोगों को? अरे कुछ नहीं, 2 महीने में बेटे की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसके रिश्ते की बात करने के लिए। तुम लोगों ने कोई रिश्ता देख रखा है क्या? अगर देखा है तो मुझे बता दीजिए। अरे भाई साहब ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसमें हमें क्या देखना? दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो विष्णु से अच्छा साथी कौन हो सकता है? बाहर रिश्ता ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम लोगों ने कोई रिश्ता देखा है कि नहीं, ये बात मैंने इसलिए पूछा ताकि मैं उस लड़के के खानदान और उसके बारे में जान सकूं। मुझे सलाह देने के लिए तुम लोगों को यहाँ नहीं बुलाया मैंने। मतलब इससे अच्छा रिश्ता और कोई हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है। अरे ज्यादा नहीं, एक आध ही बता दो। शेखर साहब का बेटा है कहलाकर मेरा नाम बदनाम कर रहा है। लड़कियां भगाकर दोस्तों से शादी करवाने की आदत तो है ही इसकी, अब अगर कोई ऐसी बदकिस्मत लड़की मिल जाए जो इसके साथ भागकर शादी करेगी तभी इसकी शादी होगी। देख लो तुम्हारे माँ बाप किससे तुम्हारी शादी की बात करवा रहे हैं। देखो बहन, जब इतनी छोटी सी थी तब इसे गोद में उठाकर लाया था, इसे उठाने के साथ साथ इसकी जिम्मेदारी भी उठा रहा हूं। इसकी शादी तो मैं ही करूंगा, तुम लोग बस शादी में आकर कन्यादान कर देना और आशीर्वाद दे देना बस। क्या बोलती हो बेटा? जैसा आप ठीक समझे अंकल। सुन बेटा, तेरे पापा ने कल रात को जो भी कहा उससे मैं कहा, अगर तू कहे तो मैं इसकी शादी तुझसे करवाऊंगी। सिर्फ बोल कि तुझे इससे शादी करनी है, मेरी बेटी है ना, अगर ना कहेगी तब भी इसकी शादी तुझसे करवा दूंगी मैं। रहने दो आंटी, पापा ने जो कहा वो ठीक है, ये कहा मुझे पसंद है। ये कब घर छोड़कर जाएगी यही इंतजार कर रहा हूँ मैं, अब तक इसे झेला वही बहुत है, अब इसे शादी करके जिंदगी भर इसकी गुलामी करो यही चाहती हो आप? अगर ऐसा है तो ठीक है, जिंदगी भर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी मैं आपके घर पे आ तो सकता हूँ, अगर इससे शादी कर ली तो मैं अपने घर पर भी नहीं रह पाऊंगा। सुनिए क्या कह रहा है। क्या कह रहा है? मेरा विष्णु, मेरा विष्णु, मेरा दामाद कहकर सिर पर बैठा लिया था ना, अब देखो बीच रास्ते में हमारी बेइज्जती कर रहा है। अब क्या बाकी रह गया है, बस आ गई है, चलिए उठिए। बाय मां, पहुंच कर फोन करती हूँ। देख बेटा, अपनी आंटी को खुश करने के लिए तू कोई फैसला मत करना, जिससे तुझे खुशी मिले वही करना। नहीं मेरे पास है। बाय पापा। बाय बेटा।